मुझे अब खतरा ये है जिस तरह तेजी से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, बहसियत कौम हमने इसका मुकाबला ना किया तो हमारे अस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। कोरोना बड़ा खतरा, रोजाना 50 संवाद, एहतियात न की तो मईशत खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम ने खदशात का इजहार कर दिया, कहा हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ रहा है, कौम को मिलकर मुश्किल हालात का सामना करना होगा। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। साबिक DGISPR आसिफ गफूर समेत अख्तर नवाज, सरदार एहसन अजहर हयात। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। साबिक DGISPR आसिफ गफूर समेत अख्तर नवाज, सरदार हसन अजहर हयात, सरफराज अली, अहमद अली और सलमान फयाज गनी शामिल। एहतियाती से कोरोना वबा पर फिर बेकाबू, मजीद उनसठ अफराद जान से गए, 3009 नए केस भी रिपोर्ट, एक्टिव केसेज 1867 तक जा पहुंचे। अवामी नुमाइंदे कोरोना के निशाने पर, GDA रहनुमा फकीर जादिम मंगरियो कोरोना से इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम बाजार का टेस्ट मुस्बत, करंतीना मुंतकिल। अवामी मफाद नजरअंदाज, कोरोना पर बुलाया गया पार्लिमानी कमेटी का इजलास, सियासी इख्तलाफात की नजर, ओपोजिशन का कोई रुकन शरीक न हुआ। दूसरी लहर पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है, हुकूमत का फर्ज बनता है पार्लियामेंट के लेवल पर हिकमत अमली तरतीब दे जिससे कि इस वबा का मुकाबला किया जाए। इसका मकसद सिर्फ इस वबा को बरसरे पैकार होना है। इस मीटिंग में शिरकत ना करके अपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पार्लियामानी कमेटी इजलास में कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली तय की जानी थी, अपोजिशन ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना रवैये का सबूत दिया। चिमटी फराज का तंज, अपोजिशन कोरोना पर सियासत न करने की अपील। शहबाज शरीफ को उस केस के अंदर जेल में रखा हुआ है जिसका किसी सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा की रिहाई के मामले पर ताखीरी हरफे इस्तेमाल कर रही है। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहती है कि हुक्मरान जो मर्जी कर लें उनके दिन कम रह गए। हुकूमत कवानीन की पाबंद है, मरियम औरंगजेब सियासत से बाज रहे, शहबाज गिल का जवाबी बात, कहा जेल वालों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं, आजाद घूमने वाले जनाजे में शिरकत को तैयार नहीं। खवातीन पर अब जुल्म नहीं, तेजाब गड्डी के खिलाफ पंजाब असेंबली में नया कानून मुतारिफ, मुल्जिम को 7 साल कैद, शरीक जुर्म भी मसावी सजा का हकदार होगा। बलूचिस्तान के साहिल पर समंदर किनारे खड़ी 40 कश्तियां डूब गईं, 18 कश्तियां निकाली गईं, तमाम कश्तियां नाकारा थीं, दीगर को निकाला जा रहा है। ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में अहम पेशरफ, नैब की रिपोर्ट पर तहरीरी हुक्मनामा जारी, SECP सलीम मानवी वाला और मुबैना बेनामी दार तारिक को आगाह करने का हुक्म। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास, मजमू कारकर्दगी का जायजा, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब 2 साल के दौरान सियासी असर रसूख से बालातर होकर बिना इम्तियाज एहतसाब पर अमल पैरा है। इत्तेफाक है या पसे पर्दा है गहरा तजा, इसराइली वजीर आजम का मुबैना दौरा सऊदी अरब, सहोनी इंतजामिया ने सऊदी अरब को कोरोना ग्रीन लिस्ट में डाल दिया।
وادی القدس پر مکمل قبضے کا منصوبہ، صہیونی فوج کا وادی اردن پر قبضہ، یروشلم کے اطراف 1200 مکانات کی یہودی کالونی بنانے کی تیاریاں۔ سہولیت کا محتاج نہیں، چینی فنکار نے ثابت کر دیا کینوں کا چھلکا اتارتے ہوئے کمال مہارت کا مظاہرہ، گھوڑے کی تصویر تیار۔ اور سردی آ نہیں رہی، آ چکی ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، ملکہ کوہسار میں برف باری، موسم خوشگوار۔